हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोग असाइनमेंट जो आपको दिया जा रहा है व्हाट्सएप ग्रुप में, उसको आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे। एक्चुअली जब तक आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे तब तक आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा, इसलिए आप उन क्वेश्चंस को जो दिया जा रहा है उनको करते रहिए और मेरे व्हाट्सएप पे जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करते रहिए। आज के क्लास में पहले तो मैं थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ जो पिछले क्लास में करवाया था। पिछले क्लास में मैंने वन वन एंड मेनी वन के बारे में बताया था, आज दोबारा से एक रिकैप की तरह मैं करवा रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पे ये वन वन फंक्शन की जो कंडीशन थी वो क्या थी, एक कंटिन्यूअस फंक्शन विच इज ऑलवेज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन इट्स डोमेन इज वन वन फंक्शन। क्या कंडीशन थी बताया था पिछले क्लास में, कि यदि कोई फंक्शन है जो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है दोनों में से कोई एक ही होना चाहिए, यदि पूरे डोमेन में ही है तो वो फंक्शन क्या होता है, वन वन होता है। लेकिन आज मैं एक वर्ड और बोल रहा हूँ जो कि है कि कंटिन्यूअस होना चाहिए उस फंक्शन को, मतलब उसमें उसका जो ग्राफ हो उसमें आपको एक ही पेन के स्ट्रोक में आप उसको बना सके। ऐसा नहीं है कि कुछ दूर तक तो आपने उसको बनाया फिर उसका आपको पेन लिफ्ट करना पड़े। यदि इस तरीके का फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस है तो फंक्शन क्या होता है उसको हम चेक करते हैं कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो वो वन वन फंक्शन होगा। और उसके लिए मैंने चेकिंग बताया था, एफ डैश एक्स के साइन को चेक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। यदि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस भी है तो भी उस कंडीशन में आपको एफ डैश एक्स निकालना होता है, बट उसका जब आप ग्राफ बनाते हो तो पूरी पिक्चर क्लियर होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हैं जिसमें कुछ पार्ट तक तो इंक्रीजिंग है बाद में भी इंक्रीजिंग है लेकिन वही सेम वैल्यू रिपीट हो जाती है। तो इसलिए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान दे करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। यदि आप इसको मेथड जो यूज करने वाले हैं एफ डैश एक्स वाला जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के केस में आप उसका ग्राफ बना करके ही आप फुल्ली कंफर्म होते हैं कि वो फंक्शन जो है वो वन वन है या नहीं। बट कंटिन्यूअस फंक्शन में सिंपली आप एफ डैश एक्स, जैसे ये ग्राफ आप देख रहे हो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, एक्स के बढ़ने से वाई की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज होती जा रही है। तो इस तरीके का जो फंक्शन और ये कंटिन्यूअस है, दैट मीन्स इसमें कोई ब्रेक नहीं है इस ग्राफ में, और इसलिए कहीं पे भी यदि आप एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचोगे तो वो क्या होगा, इस ग्राफ को एक बार ही कट करेगा। तो इसलिए फंक्शन वन वन है। जैसे ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है y वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है, देख रहे हो आप। तो यार इस कंडीशन में ये फंक्शन कंटिन्यूअस है और इसका एफ डैश एक्स निगेटिव होगा। जैसे मैं बता दूं इसका एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और इस केस में एफ डैश एक्स क्या आता है, लेस देन और इक्वल टू जीरो आता है। जैसा कि मैंने बताया भी था इक्वल टू जीरो सिर्फ काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स पे होना चाहिए। तो ये आप दोबारा से वो वीडियो जो है वो देख लीजिएगा और नोट्स देख लेने से भी हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट है कि यदि कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है, एनी कंटिन्यूअस फंक्शन विच हैव एटलीस्ट वन लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम, तो अभी आपको लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम का कॉन्सेप्ट जैसे कि नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ कि जैसे कोई ग्राफ है ना, वो अपने पीक पे पहुंच गया, मैक्सिमम पे पहुंच गया, मतलब पहले इंक्रीज कर रहा था फिर उसके बाद डिक्रीज करना स्टार्ट हुआ। तो कंटिन्यूअस फंक्शन में क्या होता है कि जब भी आप इंक्रीज करते हो और डिक्रीज होते हो तो एक जो है वो इस तरीके का पॉइंट बनता है जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स जीरो हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंक्रीज कर रहा था फंक्शन और इधर क्या हुआ, डिक्रीज करने लगा। तो इस तरीके का एक भी पॉइंट यदि आपको पूरे फंक्शन में मिल जाता है जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स को जीरो हो जाए, मतलब एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल बन जाए लेकिन उससे पहले उसका एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो और बाद में निगेटिव हो जाए, इधर एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, और इधर क्या होगा, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होगा, इक्वल टू नहीं ग्रेटर देन, और इधर क्या होगा, लेस देन जीरो, यहाँ इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके का यदि केसेस आता है जिसमें लोकल मैक्सिमम या एक लोकल मिनिमम आपको मिल जाता है कम से कम, तो वो फंक्शन क्या होता है, मेनी वन होता है। जैसे यहाँ पे ये एक पॉइंट है जो कि लोकल मिनिमम है, ठीक है ना, यहाँ पे एफ डैश एक्स जीरो हो जाएगा और इधर एफ डैश एक्स निगेटिव रहेगा क्योंकि ये फंक्शन डिक्रीज हो रहा है एक्स बढ़ने से और फिर इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया एक्स के बढ़ने से। तो यहाँ पे इस तरीके के जो फंक्शन होते हैं जिसमें एक कम से कम एक लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम मिल जाता है, और वो कैसे चेक करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डी वाई बाई डी एक्स का साइन आप निकालते हैं और फिर आपको पता चल जाता है कि वो फंक्शन जो है उसमें लोकल मैक्सिमम है या नहीं है। इस पर भी डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, आज के क्लास में
मैं बताने वाला हूं कि ऑन टू फंक्शन, क्योंकि फंक्शन को दो केसेस, दो अलग अलग केसेस में तो उसको जो है वो डिवाइड करने का तरीका है। एक तो वो है जिसमें आपने पढ़ा था पिछले क्लास में, वन वन फंक्शन, डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट इमेजेस होंगे तो वो फंक्शन वन वन होगा, और नहीं होगा तो मेनी वन होगा। एक तरीका तो वो है फंक्शन को क्लासिफिकेशन करने का। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि यदि सेट बी के अंदर सारे के सारे एलिमेंट कनेक्टेड है सेट ए के, तो उस तरीके के जो फंक्शन है उनको हम ऑन टू नाम दे देते हैं। तो आज उसी पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप देखिए कि एक एग्जांपल से मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे, तो स्टार्ट करते हैं। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन इसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव फंक्शन, सब्जेक्टिव मैपिंग भी कहते हैं या सब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, और दूसरा सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 4, 9, और एक ए सेट से बी सेट पे फंक्शन डिफाइन किया जाए जैसे x इक्वल टू x स्क्वायर। जैसा आपकी एग्जाम्पल मैंने व्हाट्सएप में भी बताया था, यहाँ पे भी आप देखिए ए सेट से बी सेट तक एक फंक्शन हमने डिफाइन किया है, इसमें एलिमेंट है 1, 2, 3 और बी सेट में एलिमेंट है 1, 4 और 9। अब जैसे 1 का स्क्वायर कितना होता है, x स्क्वायर है ना फंक्शन, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो आप यहाँ पे चीज देख रहे होंगे कि ये जो फंक्शन है इसमें बी सेट का हर एक एलिमेंट, बी सेट में जो भी एलिमेंट है 1, 4 और 9 सबका प्री इमेज अवेलेबल है सेट ए में। ऐसा कोई एलिमेंट है जो कि यहाँ छूट गया हो, नहीं है ना, सभी के सभी एलिमेंट्स जो है उन वो किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस तरीके के फंक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, ऑन टू कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से एक और एलिमेंट मैंने देखा 16, तो 16 का तो इमेज, 16 का प्री इमेज नहीं होता इसके अंदर, या 16 किसी एलिमेंट जो सेट ए का है उसका प्री उसका इमेज नहीं है, तो उस कंडीशन के अंदर जो है वो इस तरीके के फंक्शन को हम ऑन टू नहीं कहते। तो ऑन टू होने के लिए क्या कंडीशन है, इसी सेट बी के जितने भी एलिमेंट है वो सभी किसी न किसी एलिमेंट, एक सेट के जो एलिमेंट है उनका इमेज होना चाहिए। तो इसका डेफिनेशन बहुत इजीली हम लोग लिख सकते हैं, बट फिर भी एक और एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये पहला एग्जांपल बताया, जैसे सेकंड एग्जांपल देखिए, एक सेट मैंने ले लिया -1, 0, 1 और दूसरा सेट मैं ले लेता हूं 0, 1। और इस बार भी मैं ए सेट टू बी सेट एक फंक्शन एक्स स्क्वायर भी डिफाइन कर रहा हूं। तो इस बार जो आप देखोगे फिगर में ए सेट है, बी सेट है, ये -1, 0, 1 और यहाँ है 0 एंड 1। तो जैसे कि आपको -1 का स्क्वायर ये एग्जांपल में बहुत बार पहले भी 1-1 समझाने के लिए लिया था, तो इस बार भी वही सेम एग्जांपल लिया है, तो आपको समझ में आ रहा होगा -1 का स्क्वायर 1 है, 1 का स्क्वायर भी 1 है और 0 का स्क्वायर 0 है। तो यहाँ पे क्या है कि सेट बी में कोई भी एलिमेंट ऐसा है जो कि छूट गया हो, नहीं है ना, सभी के सभी जो भी सेट बी के अंदर के एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट जो कि सेट ए के हैं उनका इमेज है। तो इस कंडीशन में इस तरीके के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शन कहते हैं। तो ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो बहुत सिंपली हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज, नोट कर लीजिएगा ये एग्जांपल और इसके बाद जो लिख पा रहा हूं वो लिख लीजिएगा, एफ ए टू बी इज सेट टू बी ऑन टू फंक्शन, इज सेट टू बी ऑन टू फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज इमेज ऑफ
एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट, देन फंक्शन इज सेड टू बी ऑन टू। ऑन टू फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या है, एक फंक्शन ए सेट से बी सेट तक यदि डिफाइंड है उसको ऑन टू आप कब कब कहोगे, यदि जो भी एलिमेंट सेट बी के अंदर है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है उनमें से कम एक एलिमेंट का इमेज तो सेट बी के अंदर होना ही, मतलब सेट बी के अंदर जो भी एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट किसी न किसी एक एलिमेंट जो ए के अंदर ए सेट में है उसका इमेज होना चाहिए। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू सेट बी, ए सेट बी सेट, जैसे अभी एग्जांपल लिया था उसमें 1, 2, 3, 1, 4, 9 इस तरीके से मैंने लिया हुआ था एग्जांपल, पहला एग्जांपल। उसमें देखिए, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी there exists an element A from set A, for every B belongs to set B, there exists A belongs to set A, such that F of A equal to B। B किसके set का element है, B set का, और A जो है वो किस set का element है, A set का। तो फॉर एवरी बी बिलोंग्स टू सेट बी देर एग्जिस्ट वन एलिमेंट ए बिलोंगिंग टू द सेट ए, सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल टू बी यदि होता है तो उस तरीके के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शन कहते हैं। तो इसमें आपने एक चीज ध्यान दिया होगा कि जैसे कि यदि ये फंक्शन ए सेट से बी सेट पे डिफाइंड था, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिफाइंड किया था मैंने, ए सेट ये था बी सेट ये था, तो ए सेट को यदि हम कहते हैं डोमेन और बी सेट को क्या कहते हैं, को डोमेन। इसको क्या कहते हैं, को डोमेन। तो यहाँ पे इस केस में को डोमेन के सारे एलिमेंट जो है वो रेंज भी है इस फंक्शन के। यदि मैं पूछूं कि इस फंक्शन का रेंज कितना है तो आप कहोगे 1, 4, 9 एंड दैट इज सेट बी, दैट मींस को डोमेन के ही बराबर आता है। तो एक कंडीशन तो आपके साथ साथ समझ में आती है कि यदि कोई फंक्शन ऐसा है जिसके अंदर रेंज को डोमेन के बराबर हो जाएगा तो उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, ऑन टू फंक्शन कहेंगे। तो कुछ कुछ चीजें जो है वो नोट करके आप यहाँ पे लिख लीजिए। फर्स्ट नोट ये है, इफ रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन देन एफ ऑफ एक्स इज ऑन टू, पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि एवरी ऑड डिग्री पॉलीनोमियल फंक्शन defined on real number, defined on real number is on two, ठीक है। क्या क्या चीजें हमने मैंने आपको बताया यहाँ पे, कोई भी फंक्शन ऑन टू कब होगा, जब बी सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है उन सब का प्री इमेज सेट में होना चाहिए, ऐसे भी समझ सकते हैं आप, बी सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है उन सब का कम से कम एक प्री इमेज तो होना ही चाहिए, तब वो जो फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन कहलाता है। और ऑन टू फंक्शन की कंडीशन क्या है, रेंज यदि को डोमेन के बराबर हो जाती है तो फंक्शन ऑन टू होता है। एवरी ऑड डिग्री पॉलीनोमियल फंक्शन डिफाइंड ऑन रियल नंबर इज ऑन टू। और तीसरी बात आप ये लिख लीजिए इसमें कि इफ को डोमेन इज नॉट गिवन इन प्रॉब्लम then we take it as real number, तो ये हो गया ऑन टू के बारे में जानकारी। अब दूसरा जिसको हम ऑन टू नहीं कहते हैं, दैट इज नॉट सब्जेक्टिव, तो जिसको हम इनटू कहते हैं, इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन That is called not surjective value, not surjective simply। तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले ही बताया जो कि
एक एग्जांपल से समझ लीजिए, जैसे मैपिंग है एलिमेंट्स सही समझिए, जैसे एक दो तीन चार इसमें एलिमेंट है, इसमें एक दो तीन चार पांच एलिमेंट है, इस तरीके से ठीक है। तो यहां पे क्या है, चलिए यहां पर मैं चार ही एलिमेंट लेता हूं। इसमें आप यदि ध्यान से देखोगे कि ये जो एलिमेंट है इसका कोई प्री इमेज अवेलेबल नहीं है, दैट मीन इसे ये एलिमेंट किसी भी सेट ए के एलिमेंट का इमेज नहीं है, है ना। दैट इज एक भी एलिमेंट ऐसा यदि सेट बी के अंदर है जिसका कोई भी प्री इमेज सेट ए के अंदर नहीं हो तो उस तरीके के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इनटू कहते हैं। दैट मीन्स वो ऑन टू नहीं है, तो जो ऑन टू नहीं होगा वो इनटू होगा, समझ रहे हैं बात। तो इसीलिए हम ऐसा भी लिख सकते हैं एफ ए टू बी इज सेट टू बी इनटू फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन सेट बी विच हैज नो प्री इमेज इन सेट। यदि आप प्री इमेज को समझ रहे हो तो प्री इमेज का मतलब होता है कि इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं, दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन सेट बी विच इज नॉट द इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ सेट। तो इस तरीके के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इनटू कहते हैं, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल है इस तरीके का, कोई भी फंक्शन जो है वो आपको, जैसे मान लीजिए बहुत सारा एग्जांपल्स से आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, ये जो फंक्शन है वो इनटू फंक्शन है। ये जो फंक्शन मैं बता रहा हूँ वो क्या है, आपका इनटू फंक्शन है। यहाँ देख लीजिए एग्जाम्पल, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। इसका जो ग्राफ है, ग्राफिकली देखिए या सिंपली आप डोमेन रेंज से भी बता सकते हैं, रेंज क्या होता है, जीरो टू इंफिनिटी होता है। इस फंक्शन का रेंज कितना होता है, जीरो टू इंफिनिटी, जीरो से बड़ा नंबर ही आएगा। मॉडुलस में कोई भी रियल नंबर आप पुट करोगे, जीरो से छोटा नंबर तो आएगा नहीं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो रेंज है जीरो टू इंफिनिटी है, और को डोमेन क्या दे रखा है क्वेश्चन में, को डोमेन क्या दे रखा है, रियल नंबर। तो क्या को डोमेन रेंज के बराबर है, इक्वल है क्या ये दोनों सेट, नहीं है। इसमें तो बहुत सारे माइनस इंफिनिटी टू जीरो भी नंबर इसके अंदर आता है जो कि इसके अंदर नहीं है, तो इक्वल तो सेट नहीं है ना दोनों, ये रियल नंबर एंड जीरो टू इंफिनिटी बोथ आर नॉट इक्वल। सो वी कैन सिंपली से दैट दिस इज ए इनटू फंक्शन, मॉडुलस ऑफ एक्स रियल नंबर टू रियल नंबर क्या है, इनटू फंक्शन है। वहीं पे यदि यहाँ आर प्लस लिख दे, है ना, यदि मान लीजिए कोड, अब हमने इस क्वेश्चन को चेंज कर दिया, आर टू आर प्लस एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, आर प्लस का मतलब होता है, आर प्लस नहीं लिखिए इसको, आप सिंपली जीरो टू इंफिनिटी लिखिए, आर प्लस में जीरो इंक्लूडेड नहीं होता है, तो इसलिए जीरो टू इंफिनिटी लिखिए। तो जब आप इस तरीके से फंक्शन डिफाइन करेंगे जीरो टू इंफिनिटी, तो अब इस केस के अंदर जो है वो आप देख रहे होंगे कि सारा रेंज भी जीरो टू इंफिनिटी है और को डोमेन भी क्या है, जीरो टू इंफिनिटी है। यहाँ जो लिखा रहता है वो को डोमेन होता है, तो को डोमेन और रेंज बराबर है और ये ऑन टू फंक्शन हो गया। तो जिसका मतलब है कि फंक्शन में जो को डोमेन दे करके रखा हुआ है, यदि उस को डोमेन के हिसाब से ही हम उसका इनटू या ऑन टू चेक करते हैं, ठीक है। यदि नहीं दे रखा होगा तो हम एज ए रियल नंबर ही उसके को डोमेन को कंसीडर करते हैं। तो ये कंडीशन है। उसके बाद जो है जितने भी आपका टू डिग्री फंक्शन होता है, यहाँ पे भी आप नोट करके लिख लीजिएगा उस पॉइंट, और भी एग्जाम्पल है इनटू फंक्शन के, एफ इज फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, यदि मैंने एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स लिख दिया तो ये इनटू फंक्शन है। इस ऐसा इसलिए क्योंकि इसका जो रेंज होता है, साइन एक्स फंक्शन का जो रेंज होता है वो माइनस वन टू प्लस वन होता है, लेकिन यहाँ को डोमेन क्या दे रखा है, रियल नंबर, तो ये फंक्शन इनटू है। तो ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए, को डोमेन और रेंज बराबर होना चाहिए। यदि को डोमेन रेंज के बराबर नहीं है तो फंक्शन क्या है, इनटू है। तो आई थिंक समझ रहे होंगे आप सब लोग। यहाँ पे नोट कर लीजिए, एवरी इवन डिग्री
पॉलिनोमियल इज इनटू फंक्शन. एग्जांपल जैसे कोई भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ले लिया मैंने, और यदि इसको मैं पहली बात तो ये डिफाइंड जरूरी होना चाहिए, रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है, तो इस तरीके का फंक्शन जो है वो क्या होता है, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ये होगा इन टू फंक्शन. ऐसा इसलिए क्योंकि तो नहीं दिख रहा होगा आपको, जहां तक तो दिख रहा होगा आपको है ना, इसे इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन का एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, एफ ऑफ एक्स एफ इज फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ये क्या है, पैराबोला है एक तरीके से. तो कोई भी पैराबोला जो होता है वो आपने यदि मान लीजिए या तो ये ए के ऊपर डिपेंड करता है कि पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला या तो डाउनवर्ड पैराबोला है ना, तो ये ही होगा, ये पॉजिटिव होगा या तो ये नेगेटिव होगा. तो आप देख रहे हो इसका जो रेंज है वो यहां से स्टार्ट होकर के इंफिनिटी तक जाता है. तो इसका मतलब दस द फंक्शन कैन बी ऑफ फोर टाइप्स, दस अ फंक्शन कैन बी ऑफ फोर टाइप्स. फर्स्ट इज कॉल्ड वन वन ऑन टू फंक्शन, वन वन एंड वन टू, एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव बोथ, इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव बोथ. एक एग्जाम्पल से मैं आपको बता दे रहा हूं एरो डायग्राम से, जैसे कि ये रहा, इसमें चार एलिमेंट है, इधर भी चार एलिमेंट है, और सभी जैसे मान लीजिए इस तरीके से कनेक्टेड है. तो यहां पे आप देख रहे होंगे कि ये फंक्शन वन वन है, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैज डिफरेंट इमेजेस इन सेट ए, सेट के जो भी एलिमेंट है डिफरेंट एलिमेंट्स सेट ए के डिफरेंट इमेजेस है, और एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी मस्ट हैव एन इमेज इन सेट ए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई है, तो ये फंक्शन वन वन भी है एंड ऑन टू भी है. तो जो फंक्शन वन वन भी हो और ऑन टू भी हो उसको हम क्या नाम देते हैं, इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव बोथ. क्लियर, समझ में आ रहा होगा आपको, इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव. इसको दूसरा नाम भी दिया जाता है, इसको हम बाइजेक्टिव भी कहते हैं. नाम आप याद रख लीजिए, जो फंक्शन वन वन भी होगा ऑन टू भी होगा उसको क्या बोला जाता है, बाइजेक्टिव फंक्शन. इसको इन्वर्टिबल फंक्शन भी कहते हैं, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे इन्वर्स फंक्शन तब हम सीखेंगे कि इस तरीके के फंक्शन जो कि वन वन ऑन टू होते हैं उन्हीं फंक्शन का हम इनवर्स मतलब उल्टा बी टू ए फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं. तो उसको पढ़ने से पहले इस फंक्शन का एक नाम जो कि और है इन्वर्टिबल फंक्शन, इसको नॉन सिंगुलर फंक्शन भी कहते हैं. क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर फंक्शन. तो अलग अलग नाम है, इनको आप एक बार को देख लीजिए लिख लीजिए है ना. दूसरा जो फंक्शन है वो कहलाता है वन वन इन टू, एंड दैट इज इंजेक्टिव बट नॉट सब्जेक्टिव, इंजेक्टिव बट नॉट सब्जेक्टिव. ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे एलिमेंट्स हैं जैसे मान लीजिए एक दो तीन, और इधर एलिमेंट है एक दो तीन चार. तो इस तरीके का मैंने इस तरीके का एक फंक्शन डिफाइन कर दिया सेट ए टू सेट बी. अब यहाँ पे देखिए इंजेक्टिव तो है ही, वन वन तो है ही, वन टू वन फंक्शन है ही, बट क्या ये ऑन टू है. तो आप देख रहे हैं ना सेट बी में एक एलिमेंट है जो कि जिसका कोई भी प्री इमेज नहीं है, या आप कह सकते हैं कि ये एलिमेंट इन सेट के अंदर का किसी भी एलिमेंट का इमेज ये वाला एलिमेंट नहीं है, जिसके चलते ये फंक्शन क्या है ऑन टू नहीं है, दैट मीन्स सब्जेक्टिव नहीं है. तो इसको हम कहते हैं वन वन इन टू फंक्शन. क्लियर, तो वन वन इन टू फंक्शन एंड वन वन ऑन टू फंक्शन. उसी तरीके से होता है तीसरा टाइप जिसको हम कहते हैं मेनी वन ऑन टू, दैट इज सब्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव. ये क्या है, सब्जेक्टिव तो है सब्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, वन वन नहीं है,
तो इसका बहुत सिंपल एग्जांपल जो है वो आप लिख सकते हैं, इसमें जैसे कि किसी शीट के अंदर मैं चेंजेस करके बता दे रहा हूँ, पूरा अलग से लिखने का जरूरत नहीं है। सब्जेक्टिव तो है ये, लेकिन क्या है, इंजेक्टिव नहीं है। तो जैसे कि अब मैंने इधर तीन एलिमेंट लिए हैं, इधर दो एलिमेंट, तो अब क्या है कि यहाँ पे इन दोनों एलिमेंट्स का इमेज क्या है, ये वाला एलिमेंट है, तो ये फंक्शन मेनी वन है। मेनी टू वन में क्या होता है, दो डिफरेंट एलिमेंट्स के इमेज सेम हो जाते हैं, तो ये फंक्शन मेनी वन है, दो अलग अलग एलिमेंट्स के इमेज सेम हो गए, बट ये सब्जेक्टिव भी है, सॉरी इंजेक्टिव तो नहीं है ये, बट ये सब्जेक्टिव है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं सब्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव। इसी तरीके से देखिए एक और जो टाइप है, फोर्थ नंबर टाइप जो है वो क्या है, मेनी वन इन टू, मेनी वन इन टू, दैट इज कॉल्ड एज नाइदर इंजेक्टिव नॉर सब्जेक्टिव, नाइदर इंजेक्टिव नॉर सब्जेक्टिव। तो याद रखना है इंजेक्टिव मीन्स वन वन, सब्जेक्टिव मीन्स मेनी, सब्जेक्टिव मीन्स वन टू, तो इसका मतलब है कि मेनी वन है तो इंजेक्टिव नहीं है, इन टू है मतलब वन टू नहीं है मतलब सब्जेक्टिव नहीं है, तो इसको हम कह सकते हैं नाइदर इंजेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव। तो इस तरीके के फंक्शन का जो एरो डायग्राम है उससे आप समझ लीजिए कि कैसे हम इस तरीके के फंक्शन को समझ सकते हैं। ये जो फंक्शन होता है वो आपका ना ही इंजेक्टिव है और ना ही सब्जेक्टिव है, इसका मतलब दो अलग अलग एलिमेंट्स के इमेज सेम हो जाएंगे तो वो इंजेक्टिव नहीं रहेगा, और एक एलिमेंट बी सेट में ऐसा होना चाहिए जिसका प्री इमेज अवेलेबल ना हो तो वो इन टू हो गया, तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है और मेनी वन भी है, तो वन वन नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, मेनी वन इन टू फंक्शन है ये। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। तो ये बेसिकली ये फोर टाइप के फंक्शन ही है जिनको आपको समझ करके रखना है। तो अब हम चेकिंग करेंगे कि फंक्शन कैसे ऑन टू होगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ध्यान से देखा होगा कि इन जनरल हम लोग डोमेन, को डोमेन यदि क्वेश्चन में गिवन होता है तो हम देखते हैं कि रेंज क्या है उस फंक्शन का, और रेंज यदि को डोमेन के बराबर हो जाएगा तो फंक्शन ऑन टू कहलाता है, यदि नहीं होता है तो हम उसको इन टू कहते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे एक फंक्शन गिवन है आर माइनस माइनस वन बाय फाइव टू आर माइनस टू बाय फाइव डिफाइंड है, और फंक्शन क्या गिवन है, टू एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाय फाइव एक्स प्लस वन, तो इसका डोमेन जो है वो यहाँ दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, डोमेन है ये और इसका ये वो डोमेन दे रखा है ना, क्वेश्चन में ही दे रखा है, आपको कुछ नहीं करना, यही हुआ है। इसमें हमें फिर से वन वन और टू चेकिंग करनी है, सीख रहे हैं हम लोग कि वन वन और वन टू कैसे चेक किया जाए। तो वन वन चेक करना है, तो जैसे कि पिछले क्लास में भी इसी टाइप का एक प्रॉब्लम वन वन लेकर के सॉल्व कर रहा था आपको, लीनियर बाय लीनियर मतलब ऊपर भी लीनियर हो नीचे भी लीनियर हो जिसको हम रेशनल फंक्शन कहते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, x1 x2 लेट करिए और सॉल्व करिए। तो यहाँ पे हम लोग x1 x2 जो है वो डोमेन का r माइनस माइनस वन बाय फाइव के एलिमेंट चूज कर लेंगे, एफ एक्स वन कॉमा एफ एक्स टू जो होगा वो रियल नंबर माइनस टू बाय फाइव का एलिमेंट होगा, ऐसा है। सपोज एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, सपोज एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, and this simply implies that 2x1 minus 3 upon 5x1 plus 1 equal to 2x2 minus 3 divided by 5x2 plus 1. Solve करिए इसको, 2x1 minus 3 into 5x1 x2 plus 1 equal to 2x2 minus 3 into 5x1 plus 1. इसको आगे 2 into 5, 10x1 x2 प्लस टू एक्स वन माइनस फिफ्टीन एक्स टू माइनस थ्री इक्वल टू टेन एक्स वन एक्स टू प्लस टू एक्स टू माइनस फिफ्टीन एक्स वन माइनस थ्री, थ्री से थ्री कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे एक जैसा ही रहता है, करीब करीब सभी जो भी क्वेश्चन आप करेंगे सब में एक जैसा ही आएगा आपको, टू एक्स वन है इधर माइनस फिफ्टीन एक्स वन है, इधर लाएंगे तो हो जाएगा सेवनटीन एक्स वन और इधर उसको ले जाएंगे तो हो जाएगा सेवनटीन एक्स टू, कट गया ये कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ से आ रहा है x1 equal to x2 for every x1 comma x2 belonging to the domain r minus minus 1 by 5, तो ये फंक्शन जो है वो 1 1 है, fx is 1 1, तो ये तो आप जानते ही हैं, पिछले क्लास में भी किया था, 1 1 की चेकिंग ऐसे होती है। ऑन टू की चेकिंग करनी है, उसको नोट कर लेंगे आप सब लोग, है ना। अब इसको इसके ऑन टू की चेकिंग करनी है हमें, ऑन टू की चेकिंग देखिए कैसे करते हैं।
क्लास इलेवेंथ में जाना पड़ेगा उसके लिए, है ना। क्लास इलेवेंथ में हम लोगों ने सीखा था कि किसी भी फंक्शन का रेंज कैसे निकालते हैं, लीनियर बाय लीनियर टाइप हो या क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप हो। एक बार क्लास का जो कॉपी करवाया था फंक्शन चैप्टर में क्लास इलेवेंथ का, उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए जहाँ पे रेंज निकालना सिखाया था। क्योंकि अब हम लोगों को जो है वो ऑन टू फंक्शन में इन जनरल जब भी इस तरीके का केस हो, जब डोमेन में रियल नंबर माइनस सम पॉइंट्स ऐसे दिए हुए हों या पूरा का पूरा रियल नंबर ही फंक्शन के अंदर डोमेन है, तो हम रेंज निकालने का हमारे पास तरीका क्या है कि हम फंक्शन एफ एक्स को वाई एड कर लेते हैं। एक बार स्टेप्स बता रहा हूँ फिर से, क्या करते हैं सबसे पहले ये स्टेप्स है सॉल्व करने के, वाई को एफ एक्स एड करना है, एफ एक्स को वाई एड कर लेना है और फिर वाई इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री अपॉन फाइव एक्स प्लस वन, रेंज निकालने का तरीका है ये। और फिर आप क्या करते हो, यहाँ से एक्स को हम लिखने की कोशिश करते हैं वाई के टर्म में, तो उसके लिए हमें थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। तो ये हो जाएगा फाइव एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री, और यहाँ से जो एक्स वाला टर्म है उसको एक साथ फाइव एक्स वाई माइनस टू एक्स इक्वल टू माइनस थ्री माइनस वाई ऐसा लिखा जा सकता है। आप देखोगे तो यहाँ पे तो ये एक्स इक्वल एक्स मल्टीप्लाइड बाय फाइव वाई माइनस टू इक्वल टू माइनस ऑफ थ्री प्लस वाई ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस थ्री प्लस वाई। वीडियो पॉज करके आप खुद से कैलकुलेशन कर लीजिए, है ना, इतना तो आप खुद ही कर ही सकते हैं। और लास्ट में देख लीजिए, मैच करके देख लीजिए कि सही है या नहीं आपका, है ना। तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस थ्री प्लस वाई अपॉन फाइव वाई माइनस टू आ गया। इस तरीके में अब x क्या है, रियल नंबर है, और ये x को हम y का फंक्शन की तरह ट्रीट करेंगे। पहले y x का फंक्शन में दिया हुआ था, इसको हम x को y का फंक्शन कहेंगे। सो x रियल है, x रियल कब होगा, जब फाइव वाई माइनस टू मतलब डिनोमिनेटर, मतलब अब आप इसका डोमेन निकालना स्टार्ट करते हैं। रेंज निकालने का यही तरीका हमने सीखा हुआ था, तो हम लिखेंगे फॉर x बिलोंगिंग टू आर माइनस माइनस वन बाय फाइव, मतलब जो भी रियल नंबर आ सकता है x की वैल्यू वो कभी कभी आ सकता है जब फाइव वाई माइनस टू क्या है, डिनोमिनेटर जो है इस फंक्शन का वो जीरो नहीं हो। और यहाँ से हमारे पास आएगा फाइव वाई इज नॉट इक्वल टू टू, और यहाँ से हमारे पास आएगा वाई इज नॉट इक्वल टू टू बाई फाइव। सो द रेंज इज टू बाई फाइव के अलावा सब आ सकता है वाई का वैल्यू, इसका मतलब आर माइनस टू बाई फाइव जो है वो इसका रेंज है इस फंक्शन का। तो क्या आपको जो को डोमेन में दे रखा था क्वेश्चन में और जो आपने निकाला है, क्या वो दोनों सेम है? तो आप देखिए यहाँ पे सेम है, ठीक है ना। तो जब फंक्शन में को डोमेन और रेंज बराबर आ जाए तो उस फंक्शन को ऑन टू कहते हैं। तो दैट मींस योर रेंज इज इक्वल टू को डोमेन, सिंपली इंप्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स इज ऑन टू, ये फंक्शन क्या है, ऑन टू है। तो जब बहुत सारे मतलब डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट पॉइंट पे हो, तब भी आपको मैंने बताया नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर में कैसे आप चेक करें कि फंक्शन वन वन है या ऑन टू है। जब आपका रियल नंबर टू रियल नंबर या रियल नंबर माइनस सम पॉइंट्स फाइनाइट पॉइंट्स यदि इस तरीके से माइनस करके आपको दिया हुआ है, तो किस तरीके से निकालेंगे वन वन ऑन टू, ये भी इस तरीके से चेकिंग करते हैं। जैसे कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो इसको हम अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से कर सकते हैं, लेकिन ग्राफ बनाना उसमें जरूरी हो जाएगा, क्योंकि ग्राफ से भी आप चेक करेंगे कि ये फंक्शन में हॉरिजेंटल लाइन जो है वो इसको एक बार ही कट करना चाहिए, डायरेक्टली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग देख करके जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन में तो उस तरीके से होता है, बट डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। करना तो आपको एफ डैश एक्स वाला तरीका भी आप यूज करेंगे ही, लेकिन उसके बाद उसका ग्राफ आप थोड़ा प्लॉट कर लेंगे तब आपको एक्चुअल में क्लियर होता है पिक्चर कि, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, फिर ब्रेक हुआ, फिर से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो पूरे रीजन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है बट वैल्यूज रिपीट हो जाती है। जैसे मान लीजिए इस तरीके का फंक्शन है कोई ऐसे, और फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो अब है तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही फंक्शन, एक्स बढ़ने से वाई बढ़ रहा है, इधर भी एक्स बढ़ने से वाई बढ़ रहा है, लेकिन डिसकंटिन्यूअस होने के चलते बहुत सारी जो वैल्यूज हैं दोबारा से रिपीट होना स्टार्ट हो गई। तो इसलिए इस तरीके के फंक्शन में आप ध्यान रखोगे कि हम ग्राफ भी बनाएं तभी कुछ डिस्कशन मतलब तभी हम जो है वो कंक्लूजन देंगे कि ये वन वन है या नहीं है, लेकिन कंटिन्यूअस फंक्शन के अंदर जो है वो आप डायरेक्टली बता सकते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग देख करके कि फंक्शन वन वन है या नहीं है। देखिए एक और क्वेश्चन जो है वो करवा रहा हूँ, ये JEE के अंदर IIT JEE के अंदर 2012 में पूछा गया था, JEE IIT
के अंदर जो है ये क्वेश्चन जो है वो 2012 के अंदर जो है वो पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, द फंक्शन एफ 0.3 क्लोज इंटरवल टू 1.29 क्लोज इंटरवल डिफाइंड बाय fx इक्वल टू 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1। पॉलिनोमियल फंक्शन से भी आपको कभी भी दिखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दिखते हैं, लॉग, एक्सपोनेंशियल, ये सब जो फंक्शन है, इवन मॉडुलस फंक्शन भी ले लीजिए, ये सभी फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं। मतलब इनको, इनका ग्राफ आप देखोगे ना, साइन एक्स का ग्राफ में कहीं पे ब्रेक होता है क्या, कॉस एक्स में भी नहीं होता है। तो इस तरीके के जो फंक्शन है जिनमें आपने ग्राफ देखा है और वो आपको कंटिन्यूअस पता है, जैसे ये फंक्शन जो क्यूबिक फंक्शन है इसका ग्राफ इस तरीके से होता है, जैसे पैराबोलिक फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है लाइक x² में, तो एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ एनी डिग्री इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, तो उसमें ब्रेक नहीं रहता है। तो 0 to 3 डोमेन है इस फंक्शन का, क्वेश्चन में दे रखा है, ये इसको क्या कहते हैं हम लोग, डोमेन, इसको क्या कहते हैं, कोडोमेन, और ये फंक्शन है कंटिन्यूअस। तो जो कंटिन्यूअस फंक्शन है उसमें आप एनसीईआरटी तरीका जो है वो यूज ना करें तो ही अच्छा है, ठीक है ना। आप डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करिए f'x एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, क्योंकि आप उसको कर भी नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले डोमेन याद रखिए, क्या दे रखा है डोमेन और क्या दे रखा है कोडोमेन, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आगे जो है वो आप इसका f'x निकालिए, 1-1 की चेकिंग करेंगे सबसे पहले। तो 1-1 की चेकिंग करने के लिए fx लिख लेता हूं, और डोमेन जो है 0 to 3, x किसको बिलोंग कर रहा है, 0 to 3, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो fx जो है वो है हमारा 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1। f'x इसका कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, 2 × x³ का होता है 3x² 15 × 2x 30x प्लस 36, मतलब 6x² आ जाएगा यहाँ पे, 6x² माइनस 30x प्लस 36, और 1 का तो डिफ्रेंसिएशन 0 होता है। इसको क्या कर लेना है, 6 यहाँ से कॉमन ले लेना है, तो ये हो जाएगा x² माइनस 5x प्लस 6। इसको फैक्टराइज कर लीजिए तो ये हो जाएगा 6 × x माइनस 2 × x माइनस 3। फैक्टराइज करना आता है, ये तो बहुत सिंपल, x² माइनस 5x प्लस 6 तो बहुत बार अपीयर होता है, माइनस 3 माइनस 2 लिख सकते हैं ना आप इसको, तो जैसे ही लेंगे तो x - 2 × x माइनस 3 आएगा। ये कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ निगेटिव है ये चेक करने के लिए इसको f'x को 0 के बराबर पुट कर लीजिए, लाइक dy/dx कहाँ 0 है, वो वहां से हमारे पास दो वैल्यू आएंगे 2 और 3। इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लीजिए, 2 और ये 3। 3 के बाद तो आपको चेक नहीं करना है, फिर भी साइन स्क्रीन जो है वो बना लेते हैं, है ना। एक्चुअली हमारा जो डोमेन है क्वेश्चन में वो 0 to 3 ही है, तो बाकी को हमको नहीं देखना है, हमें क्या देखना है 0 to 3 में ये फंक्शन जो है वो कैसा है, ठीक है। तो 0 to 2 में तो इंक्रीजिंग है फंक्शन, और 2 to 3 में क्या है, डिक्रीजिंग है। 0 to 2 में f'x क्या है, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, और 2 to 3 में क्या है, f'x लेस देन 0 है, और यहाँ पे 2 पे क्या है, f'x 0 हुआ है, और 3 पे क्या हुआ है, f'x 3 पे भी 0 हुआ है। तो एक चीज हमें समझ में आ जाती है कि कुछ पार्ट में 0 to 3 डोमेन के अंदर ही कुछ पार्ट में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और फिर उसके बाद क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। तो इसका साफ साफ मतलब क्या निकलता है कि ये फंक्शन मेनी वन है, तो ये फंक्शन क्या है, मेनी वन है, एक बात आप ध्यान रख लीजिए, इसको फंक्शन क्या हो गया, मेनी वन। तो यहाँ पे मैं एक चीज को समझ गया हूँ कि जिस जिस ऑप्शन में 1-1 है वो तो गलत है, लाइक 1-1 और 2 ये वाला तो नहीं हो सकता है, 1-1 वाला तो है ही नहीं, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। तो हमारे पास ऑप्शन बचते हैं 2, ऑन टू हो सकता है या तो नाइदर 1-1 नॉर ऑन टू हो सकता है। तो अब कोडोमेन 1 to 29 दे रखा है, तो अब ये कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी समझना है। क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि 0 से 2 तक तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, और 2 से 3 में डिक्रीज कर रहा है, मतलब 0 से 2 में बढ़ा है और 2 से 3 में घटा है। तो इस तरीके के फंक्शन में हम क्या करते हैं, 0 पे वैल्यू निकालेंगे जो सबसे मतलब शुरुआत है, ठीक है ना, फिर 2 पे वैल्यू निकालेंगे और 3 पे वैल्यू निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, कंटिन्यूअस है ना। तो 0 to 2 इंक्रीज कराए और 2 to 3 डिक्रीज कराए, ठीक है। तो 0 पे वैल्यू निकालिए, 2 पे वैल्यू निकालिए, 3 पे वैल्यू निकालिए, क्योंकि तो इसको थोड़ा सा मैं इसको आपको ग्राफ बना करके भी समझा रहा हूँ इसका ग्राफ कैसे बनेगा। जैसे कि आपको ये पता चल गया ना कि ये फंक्शन जो है वो 0 मतलब 2 और 3
मेनली टू और थ्री इसमें दो पॉइंट है जो जहां पे इसका डी वाई बाई डी एक्स जीरो हुआ है और बाकी इधर पॉजिटिव निगेटिव और इधर पॉजिटिव है ना। तो अब इसका ग्राफ कैसे बनता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस टू ले लीजिए और ये थ्री ले लीजिए है ना। क्यूबिक फंक्शन है, यहाँ पे टू है। सबसे पहले ये यदि इसका डोमेन ऑल द रियल नंबर होता तो माइनस इंफिनिटी, ग्राफ आप पूरे में देख लीजिए एक बार, माइनस इंफिनिटी लाइक एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी कितना होता है, टू इंटू माइनस इंफिनिटी का क्यूब माइनस 15 इंटू माइनस इंफिनिटी स्क्वायर प्लस 36 इंटू माइनस इंफिनिटी प्लस 1। अब आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे बहुत लार्ज नंबर निगेटिव में क्यूब हो रहा है, तो इसकी जो पूरी की पूरी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, यदि मैं पूछूं कि क्योंकि माइनस इंफिनिटी तो नंबर होता ही नहीं है, डायरेक्टली आप पुट कर नहीं सकते, लिमिट निकाल रहे हैं माइनस इंफिनिटी का, तो ये माइनस इंफिनिटी आएगा क्योंकि सबसे लार्ज वैल्यू माइनस इंफिनिटी की मुझे दिख रही है। बाकी जो नंबर है वो तो स्क्वायर वगैरह ही है, ये तो क्यूब में चला गया ना, और ये निगेटिव इन्फिनिटी का क्यूब तो निगेटिव इन्फिनिटी और लार्ज हो गया, तो इसलिए ये जो नंबर है वो माइनस इन्फिनिटी, मतलब बहुत जब हम पहले देखेंगे तो ग्राफ बहुत ही नीचे रहेगा, मतलब इधर रहेगा, ठीक है ना, समझ रहे बात। अब बात आती है कि ये जीरो कहाँ पे होगा, इसका वैल्यू जो है वो एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट करेगा, तो उसमें एफ ऑफ जीरो यदि मैं एक बार निकाल करके देखूं, जीरो पे इसका वैल्यू कितना होगा, एफ ऑफ जीरो निकालिए लाइक जीरो पे इसकी वैल्यू देख रहे हैं कि ओरिजिन के पास ये कहाँ पे रहेगा, तो एफ ऑफ जीरो निकालेंगे तो टू इंटू जीरो क्यूब माइनस 15 इंटू जीरो स्क्वायर प्लस 36 इंटू जीरो प्लस 1, तो ये 1 आ रहा है, मतलब यहाँ आ रहा है, इसका मतलब हमें समझ में आ जाता है। इसका रूट्स तो नहीं मैं निकाल रहा हूँ कि कहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करेगा, इसको जीरो करके आप निकाल सकते हैं लेकिन इतना आसान भी नहीं है, ठीक है, तो लेकिन उसका निकालने का जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि जीरो पे क्या देख रहा हूँ, वैल्यू 1 है, तो मतलब ग्राफ जो है वो नीचे से आया है, ठीक है ना, नीचे से आया है और जीरो पे कितना हो गया इसका वैल्यू, जीरो पे इसका वैल्यू जो है वो 1 हो गया है, 1 हो रहा है। लेकिन अब 2 से पहले तक आपने देखा था ना, ये 2 से पहले माइनस इंफिनिटी टू 2 में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब इंक्रीज कर रहेगा आप, ठीक है, और कहां तक इंक्रीज करेगा, ये 2 तक इंक्रीज करेगा। 2 पे वैल्यू आप निकालते हैं कि 2 पे कितनी वैल्यू है, मतलब एफ ऑफ 2 निकालते हैं, तो एफ ऑफ 2 निकालना कैसे निकालते हैं हम लोग, 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 15 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस 1, एक बार निकाल करके देखिए यहाँ पे कितना आएगा, 8 इंटू 2 16 माइनस 60 प्लस 72 प्लस 1, एडिशन करिए 72 प्लस 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका, 89 माइनस 60 29 आ रहा है, मतलब 2 पे जो वैल्यू है ना वो बहुत ऊंचा जाएगा, मतलब ये 2 पे जो है वो इसकी वैल्यू हो गई है 29, ठीक। लेकिन 2 के बाद क्या है फंक्शन, एफ डैश एक्स 2 पे एफ डैश 2 जो है ना वो 0 है, हमने देखा 2 पे एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है, 0 है, मतलब ये 2 पे इसका जो है ना लोकल मैक्सिमम रहेगा, सबसे ज्यादा वैल्यू रहेगी, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स 0 हो जाता है इस जगह पे, और उसके बाद डिक्रीज कर रहा है कहां तक, 3 तक, 3 तक डिक्रीजिंग है ये फंक्शन, समझ रहे हैं बात, और 3 पे फिर से 0 हो गया, लेकिन 3 पे हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे तभी हमें पता चलेगा कि ये ग्राफ जो है ना वो इधर कहीं कट करा है या ऊपर से ही निकल गया है। एफ ऑफ 3 एक बार निकाल के देखता हूँ, एफ ऑफ 3 निकालते हैं, एफ ऑफ 3 कितना आएगा देखिए यहाँ पे, 2 इंटू 3 क्यूब, एफ ऑफ 3 इधर निकाल लेता हूँ मैं, है ना, एफ ऑफ 3 यहाँ निकाल लेता हूँ, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 का पावर क्यूब, 2 इंटू 3 टू दी पावर 3 माइनस 15 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 प्लस 1, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 27 इंटू 254 माइनस 1 15 इंटू 9 135 प्लस 108 प्लस 1, इसको सॉल्व करिए, 108 प्लस 54 हो जाएगा आपका 163 हो जाएगा मेरे हिसाब से, माइनस 135 ऊपर देख लेते हैं, 54 माइनस 135 54 प्लस 108 162 प्लस 163 माइनस 135, ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो गया
आपका 28 हो जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात। तो 3 पे वैल्यू जो है वो निगेटिव में तो नहीं है ना, 28 है, कितना है एक बार फिर से आप देख लीजिए, 163 में से 135 माइनस करेंगे तो इधर 6 से 13, 5, 8, 13, ये 5 है तो 532, 28 आ रहा है, ठीक। इसका मतलब पॉजिटिव में ही, नीचे नहीं जाएगा, तो 29 से थोड़ा सा ही नीचे होगा 28, जहां तक ये डिक्रीज करा है, ठीक है। कहां से 2 से 3 में क्या है, साइन निगेटिव का है, मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है फंक्शन 2 से 3 तक, और 3 के बाद फिर से इंक्रीज करा है, और 3 पे भी f'3 0 है, अभी देखा था हम लोगों ने फिगर के अंदर। तो इसका मतलब है कि 3 तक तो ये डिक्रीज करा है, लेकिन 3 के बाद फिर से इंक्रीज किया है। फंक्शन का ग्राफ देख लीजिए कैसे बनाया है, नीचे से आया फंक्शन, ऊपर जाता रहा, फिर यहाँ पे ऐसे चला गया। अब हमें क्या देखना है कि 0 से 3 में ये फंक्शन कैसा है, तो क्या ये 1-1 है, तो 1-1 तो नहीं है, क्योंकि वैसे भी दिख रहा है कि एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल यदि आप कट करोगे तो मोर देन 1 टाइम कट कर रहा है इसको ग्राफ को, तो ये 1-1 नहीं है, वो पहले भी चेक कर चुके थे हम लोग। दूसरी बात, क्या ये फंक्शन ऑन टू है, तो देखिए ग्राफ में क्या है, 0 से लेकर 3 तक की वैल्यू देखनी है हमें, 0 से 3, 0 पे वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। इसके बाद ग्राफ बढ़ा कहां तक गया, 29 तक, वही वैल्यू तो यहां रिपीट हुई है ना 28। तो यदि मेरे से पूछा जाए कि इसमें वैल्यूज मिनिमम और मैक्सिमम, यदि आपसे पूछा जाए तो मिनिमम आपको दिख रहा है 1 और मैक्सिमम क्या दिख रहा है 29। तो इस फंक्शन का रेंज कितना हो गया, 0 टू 3 के अंदर देखना है बस, इसके अंदर देखना है। तो आप देखोगे तो यही मिनिमम और ये मैक्सिमम, ये मिनिमम ये मैक्सिमम, और वो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, एफ ऑफ 0 देख लीजिए, एफ ऑफ 2 देख लीजिए, एफ ऑफ 3 देख लीजिए, तो इसमें जो मिनिमम है वो 1 है और मैक्सिमम कितना है 29 है। तो इसलिए हम कहेंगे कि रेंज जो है वो कितना है, 1 to 29 है, और रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो गया। यहाँ पे रेंज क्या है, कोडोमेन के ही बराबर है, रेंज क्या है, कोडोमेन के बराबर है। तो ये फंक्शन क्या है, ऑन टू है, तो इसलिए हम कहेंगे ऑन टू बट नॉट 1-1, ऑन टू है ये लेकिन 1-1 नहीं है ये फंक्शन। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप सब लोगों को, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में और भी जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, और भी कॉन्सेप्ट